Stephanie from Zenonco.io and Love Heals Cancer. So, आज हमारा वीडियो इज अबाउट फाइव एलिमेंट्स, पांच तत्वों के बारे में. हमने बहुत बार सुना है कि हमारे आसपास हमारा शरीर जो है पांच तत्वों से बना है, लेकिन हम उसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं और वो हमारे शरीर के साथ आसपास कैसे कनेक्टेड हैं. सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट भूमि, अर्थ एलिमेंट. सो सबसे पहले भगवान वर्ड की जो फुल फॉर्म है वो है, भ से है भूमि मींस अर्थ, ग से है गगन मींस आसमान, व से है वायु मींस हवा, आ से है अग्नि एंड न से नयन या नीर मतलब पानी. सो ये पांच तत्व जो है हमारा शरीर जिससे बना है वो हमारे हाथ में कैसे, हमारी उंगलियां जो है उसको डिनोट करती हैं. जो हमारा अंगूठा है वो है अग्नि तत्व, मतलब हमारा एम्बिशन, हमारे अंदर जो फायर है कुछ करने की, वो सारा कुछ हमारा अग्नि तत्व से रिलेटेड है. तभी हम पुरानी फिल्मों में जब देखते थे तो जो बड़े बड़े राजे महाराजे थे वो अपने अंगूठे को काट कर खून का जो तिलक लगाते थे, मतलब वो एम्बिशन, वो अपनी एनर्जी देते थे. और तभी हम हमेशा थम्स अप करते हैं बेस्ट ऑफ लक बोलने के लिए. तो ये हमारा लक मतलब एम्बिशन, एनर्जी डिनोट करता है. तो ये जो फर्स्ट फिंगर है हमारी वो है हवा, वायु एलिमेंट से रिलेटेड. सेकंड जो सबसे बड़ी फिंगर है वो है स्पेस, आसमान, गगन को डिनोट करती है. और जो हमारी रिंग फिंगर है इट डिनोट्स अर्थ एलिमेंट, क्योंकि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी, ग्राउंडेडनेस. एंड सबसे छोटी फिंगर इज फॉर वाटर, जल तत्व के रिलेटेड. सो जो सबसे पहला तत्व है हमारा भूमि तत्व, अर्थ एलिमेंट, वो हम कैसे अपना अच्छा कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और वो कैसे हमारे शरीर से रिलेटेड है. सो जो हमारा रूट चक्र है, मूलाधार चक्र है, हमने बहुत बार सुना है हमारे बेस ऑफ स्पाइन के ऊपर प्रेजेंट होता है, वो रिलेटेड है हमारे इस तत्व से, भूमि तत्व से. तो जब हम धरती के साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं, हम सच्चे दिल से धरती को टच करते हैं, हम मिट्टी को फील करते हैं, हम पेड़ों को अपने आसपास हाथ लगाते हैं, तब हमारा जो अर्थ एलिमेंट है वो बहुत स्ट्रांग होता है. तो जब भी हम कहीं मंदिर या गुरुद्वारे में माथा टेकते हैं, जो हमारी थर्ड आई है वो नीचे जमीन के साथ कॉन्टैक्ट में आती है. सो इसका मतलब है हम सच्चे दिल से जो मदर अर्थ को सरेंडर करते हैं, रिगार्ड करते हैं, तभी हम जब माथा टेकते हैं हम अपने थर्ड आई को टच करते हैं. इससे भी हमारा अर्थ एलिमेंट है वो बहुत स्ट्रांग होता है. तो इसके अलावा हम मड बाथ जो लोग लेते हैं या फिर मुल्तानी मिट्टी को हम घर पर लगाकर अपने शरीर के ऊपर लगाते हैं, किसी भी तरह से हम धरती के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, इससे हमारा जो अर्थ एलिमेंट है वो स्ट्रांग होता है. इसके अलावा जब हम जमीन से जुड़ी हुई ग्राउंडेड चीज़ें खाते हैं, तो मतलब जैसे जो कोई नट्स हो गए, कोई दालें हो गई, कोई बीन्स हो गए, जब हम ऐसी जमीन से जुड़ी हुई चीज़ें खाते हैं वो भी हमारा जो अर्थ एलिमेंट है उसको बहुत स्ट्रांग करती है. तो इसलिए जो हमारा मूलाधार रूट चक्र है, अगर उसमें कोई डिसबैलेंस आता है कोई, तब इसका मतलब है हमारे शरीर में कोई, अगर लेग्स में प्रॉब्लम है, पैरों में प्रॉब्लम है, हमारे पेट में या हमारे इम्यून सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, इसका मतलब है जो हमारा रूट चक्र है वो इम्बैलेंस है. तो इसीलिए इसी रिलेटेड कहीं ना कहीं हमारे शरीर में भी वो प्रॉब्लम आती है. तो इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास एफर्मेशंस क्या हैं, आई एम सेफ, आई एम ग्राउंडेड, आई एम प्रोटेक्टेड. मतलब कि जब इस चक्र में या इस एलिमेंट में कोई डिसबैलेंस आता है तो हम ग्राउंडेड नहीं फील करते, हम सेफ सिक्योर्ड नहीं फील करते. तो इसलिए हम रोज सुबह उठकर मदर अर्थ को माथा टेक के उस नंगे पाँव मिट्टी के ऊपर चलना स्टार्ट करें, अर्थ से रिलेटेड चीज़ें खाएं और इन एफर्मेशंस को यूज़ करें, तो हमारा अर्थ एलिमेंट है वो बहुत स्ट्रांग होगा. सो थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है गगन. बस आई होप आप रोज सुबह उठकर अपनी मदर अर्थ को टच करें, फील करें, प्रोटेक्टेड सेफ फील करें और बहुत ज़्यादा सच्चे दिल से रिस्पेक्ट और रिगार्ड शो करें. सो आई होप आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आए. ज़ेनॉनको इज ऑलवेज देयर फॉर यू. हमारी वेबसाइट का लिंक भी हमारी डिस्क्रिप्शन में है.